ये तो मत लिखो कम से कम कि 15 दिन के अंदर आके आप मिलिए, आप ये लिखिए कि अपॉइंटमेंट लेके आके मिलिए। ये तरीका है, ये पब्लिक के परेशान नहीं होने का जरिया है। आप हमारा काम नहीं करोगे, लेकिन ये तो मत लिखो इस पे कि 15 दिन के अंदर आके मिलो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, ये पासपोर्ट ऑफिस है पटना का। यहाँ कुछ परेशान लोग मिले और इनकी दास्तान आप सुनेंगे तो आप भी बहुत चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी सबको। एक दिन है सबको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा अगर बाहर जाने का नौबत आया तो। आप खगड़िया से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? आप भी खगड़िया से हैं? आप बक्सर? आप कहाँ से? मोतिहारी से। आप कहाँ से हैं सर? बक्सर, खगड़िया से। तो ये लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हैं, क्योंकि इनको एक पत्र प्राप्त हुआ है सबके हाथ में, आप एक इसी तरह का पत्र देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इस पर? देखिए सर, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 सितंबर को रीजनल पासपोर्ट कार्यालय पटना यहाँ से इशू हुआ है, और इस पे इस जब आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है कि आफ्टर 15 दिन के अंदर, जिस दिन आपको लेटर मिले उसके 15 दिन के अंदर आपको आके मिलना है। लेकिन मिलने का रास्ता कैसे है कि मिलने के लिए पब्लिक, देखिए आप ऊपर भी देख सकते हैं सर, यहाँ पे ऑफिस के बाहर तकरीबन काफ़ी सारे लोग परेशान हुए पड़े हैं। आप अपॉइंटमेंट दे रहे हो 100 लोगों का मिलने के लिए, 100 लोगों में आप लेटर भेज रहे हो कि 15 दिन के अंदर आके मिलना है, लेकिन 15 दिन आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है, जो कि 30 तारीख तक कोई खाली नहीं है, वो 1 तारीख तक बुक है। तो आदमी तो वहाँ से घर से आ रहा है कि कम से कम समझ तो ले कि क्या है, रुकने नहीं दे रहा अंदर। आप कह रहे हो कि आप अपॉइंटमेंट से आके मिलो, आप 1 तारीख तक आपके सिस्टम पर खाली नहीं है, तो आप ये तो मत लिखो कम से कम कि 15 दिन के अंदर आके आप मिलिए, आप ये लिखिए कि अपॉइंटमेंट लेके आके मिलिए। ये तरीका है, ये पब्लिक के परेशान नहीं होने का जरिया है। कोई कर्जा काट के आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई कैसे भी करके आ रहा है, ये कोरोना काल चल रहा है, आदमी पैसे के लिए पैसे से मोहताज है, आदमी सारे लोग यहाँ परेशान है, एक दिन पूरा बर्बाद हो रहा है। कोई काम तो मैं सर दिल्ली से आया, ससुर की तबियत खराब, तो सर वहाँ से मैं आया हूँ। कहाँ जाने के लिए आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं? सर मैं पासपोर्ट बना रहा हूँ सर कि मैं विदेश जाके सर काम करूँ सर। अच्छा, तो मैं अकेला नहीं हूँ सर, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कितने लोग तो बेचारे मायूस होकर चल गए। मैंने इनके अंदर एक आस जगाई कि आप भाई एक बार पूछिए तो सही, जाकर क्या है इनका सिस्टम क्या तो है? ये क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ नहीं, अंदर घुसने नहीं दे रहा है। अच्छा, गार्ड तो कम से कम ये तो सर से तो मिला है कि कौन है, इंक्वायरी हमसे बताए तो सही कि आपने 15 क्यों हमें मना कर रहे हो आप? ठीक है, आप हमारा काम नहीं करोगे, लेकिन ये तो मत लिखो इस पे कि 15 दिन के अंदर आके मिलो। 15 दिन जब आप कह रहे हो कि आके मिलो, तो 15 दिन के अंदर हमें अपॉइंटमेंट तो दो। सही बात है, पब्लिक का मूड बना रहे हो आप इसका मतलब। तो यहाँ और भी लोग हैं जो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, सब हम लोग भी वही। बताइए ये मेरे साथ अभी, क्या नाम है जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम वीरेंद्र माझी। कहाँ से आए वीरेंद्र जी? मैं गोपालगंज जिला से। बताइए कितना देर हो, कितना बजे सुबह कितने बजे निकले आने के लिए? यहाँ निकलने के लिए मैं 5 बजे सुबह घर से निकला सर। मैं 4 बजे या 5 बजे अब जिले में टच करने के लिए कहीं भी 5 घंटा 4 घंटे से पहले कोई नहीं आ सकता। इसके साथ साथ कन्वेंस पैसे सब कुछ लग रहे हैं, लेकिन कुछ ये नहीं कहना है कि बाहर पब्लिक है, 2 मिनट के लिए बाहर आके उन्हें बता दूं कि नहीं सर आपका काम होगा, आप जाइए इत्मीनान से जाइए, जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट खाली होगा आप उस दिन आइए, ये तक बताने को कोई तैयार नहीं है। तो जो यहाँ लोग हैं अलग अलग जिलों से आए हैं, बहुत परेशान हैं, और किसी का भी एक दिन व्यर्थ करना इस तरह के हालातों में बेहद ही चिंताजनक है। आगे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के मैनेजमेंट से भी बात हो, और आखिर क्यों इन लोगों को अब बुलाकर कोई जवाब तक नहीं दिया जा रहा है, इसकी जवाबदेही तय हो। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।